क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में हरे पर्दे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्यों ज्यादातर डॉक्टर हरे पर्दे और नीले पर्दे का इस्तेमाल करते हैं? रंगों का हमारे मस्तिष्क पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये रंग ही है कि हमें तनाव और शांति महसूस करवाते हैं। हमारे यहाँ की कुछ खास परिस्थिति कुछ खास तरह के रंगों पर ही टिकती है और आंखों द्वारा भेजे गए सिग्नल हमारे दिमाग को निर्देशित करते हैं। हरा रंग ध्यान केंद्रित करने के लिए काफी प्रभावशाली साबित होता है। अस्पताल में जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उनका मन शांत होना चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सके और मरीज की स्थिति देखकर विचलित ना हो। हरा रंग प्राकृतिक रंग है जो आंखों को शीतलता प्रदान करता है और बहुत देर तक देखने पर भी थकावट महसूस नहीं होती है। जैसे पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं और हम उनको हर समय देखते हैं, परंतु हमको कोई तनाव नहीं होता। उसे देखकर हम बोर नहीं होते, हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, हमारे मानसिक तनाव दूर होते हैं। हरा रंग देख के हमारा माइंड रिलैक्स होता है। फ्रेंड्स, कभी आपने नोटिस किया है, कभी कोई भड़कीला कलर देखकर जब आप हरे कलर की ओर देखते हैं तो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है। जैसे कि थोड़ी देर आप सूरज को देखेंगे तो आपकी आंखों की पुतलियां सुन्न हो जाएगी, आपकी आंखों में धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप हरे कलर को देखेंगे तो आपकी आंखों में फिर से रोशनी आएगी और आपकी आंखों में ठंडक पड़ेगी और आपकी आंखें ठंडा महसूस करेगी। जी हाँ, ये एक ऐसा इफेक्ट है, आपकी आंखें हरा रंग देखना ज्यादा पसंद करती है। आपकी आंखों को हरा ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है। सफेद रंग पर देर तक नजर टिकाने पर कुछ देर के लिए सर्जन का दिमाग शून्य हो जाता है। अगर ऑपरेशन थिएटर में सहयोगियों के कपड़ों पर नजर टिकाकर लाल रंग को देखा जाए तो सर्जन को परिस्थिति को समझने में कुछ सेकंड का वक्त लगता है, क्योंकि दिमाग कुछ सेकंड के लिए काम नहीं करता है। दरअसल हमारी आंखों की बनावट रेड ब्लू ग्रीन होती है, तो हम रेड ब्लू ग्रीन इजीली देख सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे कलर्स की तुलना में रेड ब्लू ग्रीन हमारी आंखों को बहुत ज्यादा भाते हैं। जब भी हम रेड ब्लू ग्रीन देखते हैं तो हम अंधेरे में भी उस कलर का पता लगा सकते हैं, हम धुंध में भी उसका पता लगा सकते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में रेड ब्लू ग्रीन कलर को इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इन कलर्स को ज्यादा देखने से हमारे दिमाग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये साइंस सिर्फ ब्लू और ग्रीन पे काम आती है। रेड कलर इससे थोड़ा ऑपोजिट है। जब हम रेड कलर को ज्यादा देखेंगे, गुस्से का आभास होगा, हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि रेड कलर थोड़ा भड़कीला कलर होता है। तो इसी वजह से एक ऑपरेशन के दौरान एक सर्जन लगभग हमेशा लाल रंग के खून पर ध्यान केंद्रित करता है। हरा रंग सर्जन को आराम से देखने के लिए मदद करता है। जब रोगी को कपड़े पहनाए जाते हैं, वो भी हरे कलर के होते हैं ज्यादातर, जब भी वो लाल रंग के खून को देखता है तो वापिस हरे रंग को देखता है, तो इससे उसकी जो दृष्टि होती है वो प्रॉपर बनी रहती है, वो आराम से रेड कलर को देख सकता है और नजर तेज बनी रहती है, जिससे ऑपरेशन आराम से सक्षम कर सके। 1914 से पहले ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सा और कर्मचारी सफेद रंग के कपड़े पहनते थे, परंतु एक प्रभावशाली डॉक्टर ने इस पारंपरिक वर्दी को हरे रंग का करवा दिया। वैसे हरे रंग से मिलता जुलता नीला रंग भी प्रयोग किया जाता है। और हरे रंग का एक और फायदा है, जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसका माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। हॉस्पिटल का नाम सुनने से ही हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बन जाती है, जो भी पेशेंट आता है तो आप मान के चलिए उसका माइंडसेट नेगेटिव ही होगा। तो जब भी वो हॉस्पिटल में आता है और हरे रंग को देखता है, ज्यादा हरे रंग उसको दिखता है इधर उधर उसके आजू बाजू, इससे उसका मानसिक तनाव दूर होता है और इसका दिमाग शांत होता है। तो यही कारण है कि हॉस्पिटलों में हरे रंग के पर्दे होते हैं, हरे रंग की वर्दी होती है, इसलिए इन रंगों को ज्यादा यूज किया जाता है, ताकि डॉक्टर अपना आराम से काम कर सके और पेशेंट आराम से रह सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कौन है फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।